नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस में, जहां हम आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसान योजना के बारे में। तो दोस्तों आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं जो 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। जो किस्तें मिलती है वो 2,000 रुपये की 3 किस्तें मिलती है। पर दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या आप कालिया योजना के बारे में जानते हैं? दोस्तों बहुत से हमारे किसान भाइयों को इस योजना के बारे में पता भी नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 16,000 रुपये सालाना किसानों को दिए जाते हैं। किसान परिवारों को जो किस्तों के रूप में मिलते हैं वो 2 किस्तों के रूप में 16,000 रुपये दिए जाते हैं, वो जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। दोस्तों इस योजना को काली योजना के भी नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों सवाल ये आता है कि 16,000 रुपये सालाना किसानों को मिलेंगे कैसे, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अप्लाई कहाँ करना होगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा किसानों को? तो दोस्तों हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये कालिया योजना भी पीएम किसान योजना की तरह ही है। इस योजना की पूरी जानकारी देंगे आपको, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको जब भी हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों इस योजना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों किसानों को मिलेंगे 16,000 रुपये, अगर आप किसान हैं तो जरूर देखिए। दोस्तों अब आपको जानकारी दे रहा हूं इसको, किसानों को मिली बड़ी सौगात। दोस्तों किसानों को मिलेंगे 16,000 रुपये, अब वो कैसे मिलेंगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों देखते रहिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय कृषि प्रधान देश है और इस देश में ज्यादातर लोग कृषि करके ही अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। किसान भाई अगर अपनी भूमि पर खेती नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि किसानों की वजह से ही हमारा लालन पालन होता है। तो खेती करके ही अन्न पैदा करते हैं, तभी हमारे घरों तक अन्न और तरह की खाद्य सामग्री पहुंच जाती है। तो ऐसे में सरकार भी किसानों के लिए आए दिन कोई ना कोई कल्याणकारी नहीं लाती रहती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, इसलिए सरकार किसानों को लेकर सरकारी योजनाएं निकालती रहती है। तो ऐसे में आज हम आपको दो ऐसी योजनाएं बताएंगे कि जिससे किसानों को 2,000 रुपये नहीं बल्कि 16,000 रुपये के लाभ मिलेगा, जो भी सीधे बैंक अकाउंट में आपके मिलेंगे, जिसमें पहली बड़ी योजना है कालिया योजना और दूसरी बड़ी स्कीम किसानों की सबसे पसंदीदा स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब बात आती है कि दोस्तों 16,000 रुपये कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, कैसे आपको लाभ मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए नीचे आइए, काली योजना के बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, काली योजना किसानों को मिलेगा 16,000 रुपये। काली योजना में भी केवल किसानों के लिए चलाई गई योजना है। इस स्कीम के तहत किसानों को 10,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। काली योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के कुछ नियम बनाए वो देख लीजिए। दोस्तों ये नियम केवल उड़ीसा किसानों के लिए लागू है। दोस्तों ये योजना है जो उड़ीसा किसानों के लिए लागू है, यानी उड़ीसा राज्य का ही निवासी होना चाहिए। इस स्कीम के तहत किसानों को प्रति परिवार 10,000 रुपये दिए जाते हैं। कार्य योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया जा गया है। योजना की शुरुआत 21 दिसंबर 2019 को ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया है। स्कीम के तहत किसानों को 5 तरीके से लाभ दिया जाता है, खेती के लिए सहायता, वित्तीय सहायता, जीवन बीमा, ब्याज मुक्त फसल ऋण और आजीविका के लिए सहायता। कार्य स्कीम के तहत सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस योजना के अगले 3 वर्ष तक दिया जाएगा। कालिया स्कीम के द्वारा दोस्तों राज्य के 30,00,000 किसानों को लाभ मिलेगा। 5,000 रुपये की खरीफ की फसल के लिए प्रति परिवार को दिए जाते हैं। 5,000 रुपये रबी सीजन की फसल के लिए प्रति परिवार के हिसाब से सहायता दी जाती है। पीएम किसान योजना के तरह ही इसमें डीबीडी प्रणाली का प्रयोग किया गया है, यानी सीधे खाते में ही ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे। लाभ लेने के लिए आपके पास ओडिशा राज्य का मूल निवास पहचान पत्र, कृषि भूमि के कागज, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि होने चाहिए। साथ ही दोस्तों ओडिशा काली योजना के तहत किसानों को 2,00,000 रुपये का जीवन बीमा और 2,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त दुर्घटना बीमा भी कवर दिया जाता है। ओडिशा काली स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसका लिंक हम अपने नीचे दे देंगे। 16,000 रुपये कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों अब सवाल ये आता है, दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजना है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस स्कीम के तहत सरकार ने 3 किस्तों के प्रावधान किए, जिसमें 2,000 रुपये की हर 4 महीने में किसानों को किस्त खाते में डाल दी जाती है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है, तो दोस्तों अब ये आता है कि 16,000 रुपये कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों अब 16,000 रुपये का लाभ लेने के लिए अगर आप राज्य के निवासी हैं तो आपको काली योजना का फॉर्म भरना होगा, साथ ही आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप छोटे किसान हैं, यानी लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, तो आपको काली योजना के तहत सालाना 10,000 रुपये दिया जाता है, इसका लाभ दिया जाता है। तो दूसरी बात यह करते हैं, साथ ही आपको प्रधानमंत्री
किसान योजना का भी फॉर्म भरना होगा। अगर आप दोनों योजनाओं को यानी कार्य योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना को एक साथ मिला दें तो दोनों योजना का फॉर्म एक साथ भरेंगे तो आपको सालाना 16,000 रुपये का लाभ मिलेगा, यानी 10,000 प्लस 6,000 मतलब 16,000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से सरकार आपको दोनों योजनाओं के तहत पूरे 16,000 रुपये का लाभ देगी। अब जरूरी बातें देख लीजिए दोस्तों, थोड़ी सी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कार्य योजना का लाभ लेने के लिए आपका आधार कार्ड और बैंक खाते में लिंक होना चाहिए, साथ ही जो नाम आपके आधार कार्ड में डला हुआ है वही नाम आपके बैंक खाते में होना चाहिए। आपका नाम और पिता का नाम दोनों एक जैसा होना चाहिए। अब आधार कार्ड और बैंक वाला नाम ही आपको इन दोनों योजना आवेदन करते वक्त डालना है। अगर आप में या कोई भी गलती होती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी देश के किसानों को इस योजना के बारे में पता चल